जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पूजा शुरू होने से पहले ऐसे कौन से श्लोक हैं जिसे बोला जाए तो उससे नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं, और पूजा समापन की ओर हो तब एक श्लोक बोल दिया जाए तो जिससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। हम अक्सर वो श्लोक अपनी आरती में गाते जरूर हैं। तो शास्त्र कहता है कि गुड़ का दान करने से रोग समाप्त होता है, गुड़ का दान करने से मस्तिष्क ऊर्जा बढ़ती है, गुड़ का दान करने से वैभव बढ़ता है, गुड़ का दान करने से बहुत विस्तार होता है। जो लोग गुड़ का बुरादा बनाकर यज्ञ में डालते हैं या हवन करते हैं उनके घर में कभी टोना टोटका का असर नहीं होता। अभी आपने माघ स्नान में कई दान किए होंगे, लेकिन फाल्गुन मास चल रहा है, इसमें कपूर का दान बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि कपूर जलाने से हमारी कही हुई बात सिद्ध हो जाती है। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में कपूर, जनेऊ, सुपारी, कलावा, चंदन, रोली ये चीजें होती हैं उनके घर में वास्तु दोष नहीं होता। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में साबुत हल्दी रहती है उसके घर में कोई जादू टोना टोटका का असर ही नहीं होता है, उसका प्रभाव ही नहीं हो सकता। ये साबुत हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है, ये सबके घर में होनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में आरती में रोज कपूर जलाया जाता है उसके घर में कभी गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होते। और शास्त्र कहता है कि जिसके घर में कपूर से रोजाना आरती की जाती है उसे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप लोग अक्सर आरती के बाद एक श्लोक गाते होंगे, कर्पूर्ण गौरम कृष्णावतारम, ये गाने से शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये श्लोक जानते हैं सबसे पहले कौन बोला था? तो जब महादेव का विवाह हो रहा था तब नारायण ने इस श्लोक को बोला था, और तब महादेव बहुत खुश हुए थे इस श्लोक से। और जानते हैं जब नारायण का विवाह हो रहा था तब शंकर जी ने एक श्लोक बोला था, वो श्लोक है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। तब इससे नारायण बहुत खुश हुए थे। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जब पूजा शुरू करो तो वो श्लोक बोलो जो शंकर भगवान ने बोला था, और जब पूजा समाप्त हो तो वो श्लोक बोलो जो नारायण ने महादेव के लिए बोला था। यानी जब पूजा शुरू करो बोलो, और जब पूजा समाप्त करो हर हर महादेव।